यूपी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला प्रशासन संदीप जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सरकार वकील ने तथ्यों को परखने के लिए कोर्ट से समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने सरकारी वकील को 1 दिसंबर तक का समय दिया है। बता दें आपको कि सोलंकी और उनके भाई पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर एक महिला के घर को जलाकर उस पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि सोलंकी और उनके भाई का कहना है कि जिस दिन घटना घटी दोनों पर मौजूद ही नहीं थे, दोनों घंटों तक मौजूद ही नहीं थे। सोलंकी के भाई रिजवान पर भी आरोप है।